नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी एक अच्छी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और इसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से खूब मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं सिर्फ आपका 2 मिनट का समय लूँगा और आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करूँगा, जो कि ये प्रश्न कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा सवाल कुछ इस प्रकार है। दोस्तों हमारा पहला सवाल, किस टीम ने हाल ही में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। दोस्तों मेरा जो दूसरा सवाल है वो इस प्रकार है कि BCCI ने हाल ही में किसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है राहुल द्रविड़। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें चलेंगी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 11 जुलाई। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में बजट 2019 पेश किया गया जिसमें ई वाहन पर लगने वाली 12% टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई सवाल नहीं है, इसे बस एज ए जानकारी के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो किस प्रकार है कि किस IT कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फेसबुक। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है JP नड्डा। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में 3 जुलाई 2019 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो अभी तो गलत है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अंबाती रायडू। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि कौन व्यक्ति हाल ही में दोबारा RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है NS विश्वनाथन। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। दोस्तों इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।